दोस्तों आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एनालॉग आउटपुट देखेंगे जो कि ऑर्डिनो ऊनो में ऑर्डिनो प्लेटफॉर्म पे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के रूप में पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पीडब्ल्यूएम में के थ्रू हम लोग अचीव करते हैं, जिसके लिए एनालॉग राइट मेथड यूज होता है। तो आप देखिए जो वीडियो आपके सामने दिख रहा है, इसमें धीरे धीरे ये एलईडी ग्लो कर रही है, ग्लो करते हुए बढ़ रहा है ये ग्लो, और फिर धीरे धीरे ये फेड हो रही है, मीन्स पहले हाई जा रही है फिर लो जा रही है। तो ये कैसे अचीव हो पा रहा है इस वीडियो में हम देखेंगे, बने रहिए मेरे साथ। तो ये हमारे पास ऑर्डिनो ऊनो, जिसके अंदर हमारे पास डिजिटल पिंस के बारे में हम ऑलरेडी अपने पिछले कुछ वीडियोस में बात कर चुके हैं, इनपुट और आउटपुट। तो इसमें एनालॉग आउटपुट कहीं नजर नहीं आ रहा आपको, इसके लिए हम लोग डिजिटल पिंस को ही यूज करते हैं, जिसमें पल्स विद मॉड्यूलेशन टिल्ड का साइन नजर आ रहा है आपको। तो ये पीडब्ल्यूएम के लिए 6 पिंस हमारे पास हैं, 3, 5, 6, 9, 10, 11। तो ये पीडब्ल्यूएम है क्या? देखिए पीडब्ल्यू में इज अ पल्स विड मॉड्यूलेशन एनालॉग रिजल्ट लेने के लिए हम इन डिजिटल पिंस को जब यूज करते हैं तो पीडब्ल्यू इन्हें कहते हैं। हम लोग 0 और 5 वोल्ट का जो चेंज है इस पैटर्न को, ऑन ऑफ पैटर्न को हम लोग वेरिएबल मोड में चलाते हैं, मींस ऑन 5 वोल्ट करने के बाद हम कुछ देर डिले देके उसकी वैल्यू कम करते हैं, 0 करते हैं। तो ऑन और ऑफ टाइम के बीच के जो ड्यूरेशन, उसे पल्स विड्थ कहा जाता है। इस पल्स विड्थ को हम वेरी करके अपना पैटर्न अचीव करते हैं, ब्राइटनेस ज़्यादा या कम करते हैं। तो देखते हैं कैसे होता है ये। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में हमारे पास जो मेथड है वो एनालॉग राइट है। तो आप देखिए फिगर में हमारे पास ग्रीन रंग की लाइनें हैं, ये हमारे पास साइकिल, एक हमारे पास रेगुलर पैटर्न दिखाया जा रहा है। तो अगर हम 0 वैल्यू लिख रहे हैं पल्स के लिए, मीन्स एनालॉग राइट मेथड में हम लोगों ने 2 वैल्यू पास करनी है। पहली वैल्यू हमारे पास है पीडब्ल्यूएम पिन, और दूसरी है उस कितनी वैल्यू हम लोग देना चाहते हैं, जो वैल्यू हमारे 0 से 255 की रेंज है। मीन्स अगर हम लोग 50% का ड्यूटी साइकिल रखना चाहते हैं तो ये वैल्यू आधी होगी 255 की, मीन्स 127। सो 127 में आधी ड्यूरेशन तक हमारे पास वो 5 वोल्ट रहेगी, आधे ड्यूरेशन में हमारे पास ये 0 वोल्ट रहेगी। तो अगर ये हम लोग ड्यूटी साइकिल बढ़ाना चाहते हैं, मीन्स 75% करना चाहते हैं, तो हम लोग को 255 का 75% वहाँ वैल्यू देना पड़ेगा, दैट इज 191। तो 75% टाइम ये हाई रहेगी वोल्टेज, और 25% ये लो रहेगी। और अगर हम इसे 100% लिख देते हैं 255, तो ये हमेशा हाई वैल्यू रहेगी। तो इस वेरिएबल वैल्यू को वेरी करके, हाई लो को वेरी करके हम लोग एनालॉग आउटपुट अचीव करते हैं। तो देखिए इसमें, इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो टोटल ड्यूरेशन है उसमें हमने 50% टाइम हाई रखा, 50% टाइम लो रखा। तो इसको अचीव करने के लिए एनालॉग राइट पे 9 नंबर पिन पे, जो सर्किट हमारे सामने दिया गया जिसपे एक एलईडी कनेक्टेड है, हमने 127 लिखा। तो इसका आउटपुट हमारे पास एवरेज, ये जो एलईडी है ये टोटल इंटेंसिटी का 50%, बिकॉज इस पर 2.5 वोल्ट जा रहा है, तो टोटल इंटेंसिटी जितना भी ये 5 वोल्ट पे चलेगी उसका अब ये आधा ग्लो करेगी। तो ये जो ग्लो अभी तो आधा कर रही है, हम इसको वेरिएबल बना सकते हैं, ये देखिए अगले फिगर में। तो अगर हम लोग ये धीरे धीरे जो ड्यूटी साइकिल है बढ़ाते जा रहे हैं, तो पहले टाइम, पहले 1 सेकंड के दौरान हमने उसको 20% ड्यूटी साइकिल रखा, फिर धीरे से उसको हमने 40 कर दिया, फिर 60 कर दिया, फिर 80 कर दिया। सर्किट वही है, अगर उसी सर्किट पे हम लोग ये ऐसे ड्यूटी साइकिल चेंज करते हैं तो हमारे पास ये कॉन्टिन्यूसली ये जो वोल्टेज है वो चेंज होगा। तो ये हमारे पास जो नीचे दिया हुआ वीडियो है देख रहे हैं आप, इसमें धीरे धीरे ये ग्लो बढ़ रहा है या फिर ये धीरे धीरे ग्लो कम होगा अगर इसी ड्यूरेशन में हम इसे रिवर्स करते हैं। तो इसके लिए हमारा जो प्रोग्राम है हम उसे देखते हैं। एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम हम लोगों ने एग्जाम्पल में से एनालॉग में फेडिंग वाला उठाया, ये ऑलरेडी दिया हुआ प्रोग्राम है, कोई स्पेशल इसमें हमने नहीं लिखा, इसी प्रोग्राम को समझते हैं। इस प्रोग्राम में हमने 9 नंबर पिन पे एलईडी लगाई है, जो सर्किट हमारे पास ऑलरेडी था। लूप में आके हम लोग ये धीरे धीरे स्टेप्स में ये वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, मीन्स एलईडी को आउटपुट देना चाहते हैं स्टेप्स में, धीरे धीरे वैल्यू चेंज होगी। सो वैल्यू 5-5 के स्टेप में चेंज करेंगे, 0 से लेकर 255 तक मुझे जाना है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक फॉर लूप लगाया। फॉर लूप में 3 चीजें हैं, सेमी कोलन से सेपरेटेड है। पहली जिसके ऊपर एरो मार्क आ रहा है आपका, इस ये है इनिशियलाइजेशन। हमने एक फेड वैल्यू नाम का वेरिएबल बनाया जिसको 0 वैल्यू दे दी, उसके बाद कंडीशन चेक की कि क्या फेड वैल्यू की, फेड वैल्यू जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कंडीशन के हिसाब से ठीक है। तो अभी ये बिल्कुल सही है, 0 is less than 255, 255, तो इट इज ट्रू। तो हमारे पास जो नीचे दिया गया कोड है ये रन होगा, मीन्स एनालॉग राइट पे 0 लिख दिया जाएगा 9 नंबर पिन पे, 30 मिलीसेकंड का डिले आएगा, और फिर ये हमारे पास इंक्रीमेंट में चला जाएगा अगेन फॉर लूप में, जिसमें 5 वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हर 30 मिलीसेकंड के डिले पे हमारे पास ये 5-5 स्टेप वैल्यू चेंज होगी, जब तक हमारे पास ये वैल्यू 255 नहीं हो जाती। तो जब ये पूरा एंड तक 255 तक वैल्यू चली जाएगी, मीन्स टॉप ब्राइटनेस पे आ जाएगी एलईडी, उसके बाद ये लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो लूप हमारा एक कंट्रोल सीक्वेंस है जिसके थ्रू हम स्टेप्स में वैल्यू चेंज करनी हो, डिक्रीज या इंक्रीज करनी हो, वो करते हैं और उसका इफेक्ट देख पाते हैं। तो अब इसी स्टेप्स में हम इस वैल्यू को
चेंज कर रिवर्स करते हैं, तो हमने फेड वैल्यू को 255 दिया, और जब तक फेड वैल्यू जीरो नहीं हो जाती हम उसे पांच पांच स्टेप में माइनस करते जा रहे हैं, तो जितना ये ग्लो टॉप ग्लो पे आ गया था वो धीरे धीरे हमारे पास नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो अब आप देखिए हमारा ये जो छोटा सा नीचे वीडियो नजर आ रहा है आपको, इस वीडियो में इसी का आउटपुट ये वीडियो में है कि हमारे पास 9 नंबर पे एलईडी कनेक्टेड है थ्रू 330 ओम रेजिस्टेंस, और ये धीरे धीरे हमारे पास पहले वाले फॉर लूप के थ्रू ये हाईएस्ट लेवल पे जाती है ग्लो, और ग्लो फिर धीरे धीरे कम होता है ड्यू टू द नेक्स्ट लूप गिवन बिलो नीचे दिए गए लूप में। तो देखा आपने कितना आसान है, छोटा सा कोड हम लोगों ने लिखा और एनालॉग आउटपुट ट्रेस कर लिया। अभी तो ये एलईडी की हम लोग ब्राइटनेस कंट्रोल कर रहे हैं, तो इस पीडब्ल्यूएम से हम लोग किसी मोटर की, किसी भी चीज़ की, फैन की, किसी चीज़ की हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास कोई गाड़ी है जिसमें हमने मोटर लगाई है तो उसमें भी हम पीडब्ल्यूएम यूज़ करके गाड़ी की स्पीड ज़्यादा या कम कर सकते हैं। आने वाले कुछ वीडियोज़ में हम आपको इसी एनालॉग इन और आउट पे हम लोग यूज़ करके आपको कुछ प्रोजेक्ट बना के दिखाएंगे इंटेंसिटी कम ज़्यादा करके, राइट। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारे इस आर्डिनो या इससे रिलेटेड कोई चीज़ खरीदनी है तो नीचे दिए गए लिंक्स को यूज़ कीजिए, हमारे सोशल मीडिया लिंक्स पे जाइए, उसके अंदर गिटहब के लिंक पे हम लोगों ने कोड भी डाला हुआ है, बाकी वीडियोस भी हमारे पास नीचे हैं। सो हमारे इस सीरीज़ में आने वाले अगले वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।